अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू स्काईब्लॉग 116। आज हम अपने स्काईब्लॉग में एक मॉब एक्सपी फॉर्म और ट्री फॉर्म्स वगैरह सेटअप करने वाले हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमें हमारी ट्री से एक सैपलिंग मिली थी, जिसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एंड गाइस, मैंने एक फर्नेस भी बना लिया यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे अब मैं अपने वीट शीट्स लूंगा, ये हो मैंने पहले ही बना ली है। एक बकेट लूंगा एंड मैं यहाँ से अपना वाटर को ग्रैब कर लेता हूँ। वाटर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे हम अपनी जो है फार्मिंग स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। एंड गाइस, यहाँ पे शायद कोई मॉब आ गया है जिसने के मुझे अटैक किया अभी भी। आई डोंट नो किस मॉब ने मुझे अटैक किया, लेकिन मुझे अटैक हुआ अभी भी। शायद से वहाँ पे कुछ स्केलेटन है जिसने मुझे देख लिया। लेकिन खैर, हमें ज़्यादा डैमेज नहीं मिला, लेकिन मेरी भूख बढ़ रही है गाइस। यहाँ पे हमारी फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा बहुत बोन मिल कर लेता हूँ, बिकॉज हमें भूख लगना शुरू हो गई है। एंड एक बार हमें भूख लगना शुरू हो जाए तो फिलहाल तो हम इस रॉटन फ्लैश से गुजारा करेंगे गाइस। एंड गाइस, अभी हम जो है अपने इस ट्री को प्लेस जिसको कर चुके हैं हम, उसको बोन मिल करेंगे। यहाँ पे गाइस हमें थोड़ा बहुत बोन मिल वेस्ट करना पड़ेगा। ये ट्री को मैं इसलिए बोन मिल कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे मॉब एक्सपी फॉर्म के लिए वुड की जरूरत पड़ती है। एंड ये ग्रो हो गया, काफी बड़ा ट्री है। एंड गाइस, इसके साथ एक हनी बी नेस्ट भी है गाइस। तो इस ट्री को गाइस मैं फुली कैसे चॉप डाउन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। शायद से भी मेरे ऊपर एंग्री हो जाएगी कि मैं इस ट्री को यहाँ से चॉप डाउन करना शुरू करता हूँ केयरफुली। भी मेरे ऊपर एंग्री ना हो जाए। नहीं गाइस, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई थिंक ये यहीं पे रहेगा, ये डी स्पॉन नहीं होगा, इसके साथ टूटेगा नहीं। एंड बीस भी मेरे ऊपर एंग्री नहीं हुई, तो यहाँ पे वो रह सकती हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम। और मैंने अभी अभी अपना एक वीट तबाह कर दिया। साथ साथ हम अपने इस फार्मलैंड को एक्सपेंड करते जाएंगे गाइस। यहाँ पे हमें एक और एप्पल गाइस, सुपर फैंटास्टिक। लेकिन हम एप्पल्स को वेस्ट नहीं करने वाले। मुझे एक और सैपलिंग मिल गई है, दैट्स ग्रेट। एंड एक सैपलिंग यहाँ से नीचे गिर गई शायद से, उसको भी हम देख लेंगे गाइस। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी टू आ गई हैं सैपलिंग्स, बल्कि तीसरी भी आ गई है यहाँ पे गाइस। तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और स्टिक्स भी हमें इसके साथ साथ मिलती रहेंगी। मैं साथ साथ इस एरिया को एक्सपेंड कर दूँगा गाइस, ताकि यहाँ पे हमें सैपलिंग्स हमारी मिलती रहें। एंड लास्टली ब्रोक। तो गाइस, अब मैंने यहाँ से सारी जो डर्ट है वो ले लिया है, यहाँ से सारी डर्ट। तो गाइस, हम अपने इस एरिया को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं।
तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत चारकोल बनाया था अपने लॉक से, तो ये मैंने एक स्टिक प्लेस टॉर्च प्लेस की भी है एंड आई गेस थोड़ा बहुत हमारे इसमें भी बड़ा है नहीं गाइस। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत चारकोल बना लेते हैं। चारकोल बनाने की रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, आपने लॉक्स को प्लैंक से स्मेल्ट कर देना है एंड उससे एक चारकोल बनता है जो कि कोल की ही एक फॉर्म है गाइस। और ये बहुत अच्छा सोर्स है स्टिक्स के लिए एंड फ्यूल है, एक बहुत अच्छा फ्यूल है। एंड हमारा सन डाउन जा रहा है गाइस, हमें टॉर्चेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे चारकोल बना रहा हूँ क्योंकि अब ये स्पॉनेबल प्लेटफॉर्म हो गया है। वैसे मैं चाहता तो इसे नॉन स्पॉनेबल भी बना सकता था गाइस, लेकिन मैं इस एरिया को थोड़ा बहुत लेट अप देखना चाहता हूँ। एंड हमारा चारकोल रेडी हो गया, हम यहाँ पे अपने लिए टॉर्चेस बना लेते हैं। मेरी कुछ टॉर्चेस गिर गई थी गाइस, अनफॉर्चुनेटली गलती से मैंने क्यू दबा दिया, तो मेरे पास एक ही सिंगल टॉर्च बची थी। इस एरिया को लेट अप कर देते हैं, वैसे भी इस एरिया को लेट अप रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ट्रीज हैं वो बगैर रोशनी के ग्रो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे आखिरी काम यही बचता है कि हम इन प्लैक्स को माइन कर लें और उसके बाद कोबलस्टोन को माइन करें। यहाँ पे हमें ढेर सारे प्लैंक्स चाहिए होंगे एंड मैं देखना चाहता हूँ कि ट्रैप डोर और साइन बोर्ड में हमें, तो गाइस यहाँ पे ट्रैप डोर हमें बगैर एक स्टिक के दो ट्रैप डोर दे रहा है जबकि साइंस हमें एक स्टिक के बदले तीन दे रहा है, तो हम यहाँ पे साइंस बनाना बेटर रहेगा हमारे लिए। तो हम इस बोन मिल को यूज़ करके आखिरी ट्री को भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पावर दे देते हैं ताकि वो ग्रो हो जाए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं दो प्लेटफॉर्म वाला ही छोटा एक मॉब एक्सपी फॉर्म बनाऊंगा गाइस क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं एंड मैं सोच रहा हूँ कि इन ट्रीज को बोन मिल करके ग्रो कर दूँ क्योंकि मॉब एक्सपी फॉर्म आने के बाद हमारे पास ढेर सारा बोन मिल होगा एंड एक ट्री ग्रो कर गया। पहले मैं इसको तोड़ूंगा देन मैं नेक्स्ट ट्री को कट करूँगा। गाइस यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे प्लैंक्स आ गए हैं जिनको के पहले तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं एंड नाउ गाइस हम यहाँ पे कोबलस्टोन को माइन करने वाले हैं जो कि फिर से मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने ओवर 4 stacks 5 stacks कलेक्ट कर लिया है, तो अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एक्सपी फॉर्म बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे गाइस। तो पहले हम यहाँ पे साइंस बना लेते हैं, साइन बोर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें थोड़ी सी स्टिक्स चाहिए होंगी। टोटल हमें जो अमाउंट चाहिए वो 58 है गाइस, तो 58 इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटा फॉर्म बिल्ड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कोई ख़ास बड़ा फॉर्म नहीं बिल्ड करने वाला क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की भी बहुत कमी है, हम उसको इन फ्यूचर अपग्रेड कर लेंगे। तो अभी हमें चाहिए सिर्फ 58 साइंस। तो गाइस यहाँ पे अभी भी हमें रिसोर्सेज की कमी हो रही है, मुझे वहाँ से वोट्स लेनी पड़ी, इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा फॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास इनफ जो है साइंस आ चुके हैं जिसकी मदद से हम एक एक्सपी फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे थोड़े बहुत कोबलस्टोन्स को जो है स्लैब्स में कन्वर्ट कर लूँगा क्योंकि हम हमारी जो सीलिंग एंड फ्लोरिंग है वो स्लैब्स के थ्रू ही बनाएंगे। तो गाइस आई थिंक यहाँ पे 2 stacks इनफ होने चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि यहाँ पे हम
ओके गाइस, एक चीज़ जो मेरे माइंड में यहाँ पे नहीं रही कि हमें टॉर्चेस भी चाहिए होंगी जब हम फॉर्म को बिल्ड कर रहे होंगे, तो उसके लिए तो हमारे पास लॉग्स हैं ही नहीं जो हम स्मेल्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम वेट करते हैं कि हमारा ट्री जल्दी से ग्रो कर जाए। तो गाइस यहाँ पे हमारा ट्री ग्रो कर गया है एंड गाइस अब हमारी हेल्थ बहुत लो है, तो हम यहाँ पे अपने एक एप्पल को निकाल के खा लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास टोटल 4 हैं, आई डोंट नो कि एक से हमारा फुल हेल्थ बार बढ़ेगा या नहीं। पहले फुल तो हो गया है, हम एप्पल्स को यहाँ पे सेव रख लेते हैं। एक ग्रेवल मेरे पास है यहाँ पे क्योंकि पहले मैंने एक मॉब को मारा था, तो हम इस बाकी के ट्री को चॉप डाउन कर लेते हैं, उनको चारकोल में स्मेल्ट कर लेते हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं एंड गाइस जो हमारा बसॉल्ट ब्रिज है उसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ तोड़ दूंगा ताकि यहाँ पे थोड़े बहुत जो है मॉब्स जो आते हैं वो भी ना आए। तो गाइस अब मैं मॉब एक्सपी फॉर्म टाइम लैप्स में बिल्ड करने वाला हूँ।